नमस्कार दोस्तों, आज फेसबुक पर फिर लाइव है। प्रदीप विडो की फेसबुक पर लाइव है और तीसरा और प्रगति पर स्कोर 28 रन सुहाने की टीम का पर रोबिन और नॉन स्ट्राइक का भी पता नहीं है। सचिन बॉलिंग कर रही है क्लार्क की टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर। तीसरे ओवर की बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद एकदम अंदर की तरफ गेंद आई और सीधी विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर अभी भी 28 रन पर रुका हुआ। प्लीज पवन बिड्डू जो भी आप एक बार ग्रुप में लिंक शेयर को शेयर कर दे। धीरे धीरे कदमों से अच्छी गेंदबाज संदीप शेयर कर दे लिंक को। बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल भरी गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अपील की लेकिन कोई आउट नहीं। फर्स्ट बाउंस तो अंपायर को देनी चाहिए थी। स्कोर अभी भी 3 ओवरों की समाप्ति पर मात्र 28 रन सुहानी टीम का स्कोर। 5-5 ओवरों 8-8 ओवरों का मैच है ये। तीन ओवरों की समाप्ति पर 28 रन रॉबिन जिसने सिंगल विकेट के लिए चार। स्कोर कितना हो गया? स्कोर भाई सॉरी, चार ओवर हो चुके। 28 रन राजेश आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। पहल सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्लार्क वर्सेज सुहाने की टीम के बीच मैच चलता हुआ। 8-8 ओवरों का मैच है और पांचवें ओवर की पहली गेंद डालेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को। फेसबुक पर लाइव। अच्छा छोटा सा रन और शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन वहीं पर ही गेंद एकदम ऊपर उछाल भरी गेंद थी। भारी एज लेकर विकेट कीपर से थोड़ी आगे गेंद उछल कर गेंद वहीं गिरी। सिंगल रन एक रन दौड़ कर लिया जब तक बॉल को विकेट कीपर आते बॉल के पास एक रन। स्कोर उछल कर हुआ सुहाने टीम का 29 रन और अब रॉबिन सुहाना सामना करेंगे राजेश क्लार्क का। धीरे धीरे कसम अच्छा एज लेकिन थर्ड मैन तैनात है। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत अच्छी गेंदबाज राजेश की लेकिन उससे अच्छी बैटिंग रॉबिन की क्योंकि एक लेट कट खेलने की कोशिश की। थर्ड मैन तैनात थे वहां पर सिंगल से एक रन स्कोर उछल कर हुआ 30 रन। पांचवें ओवर की दो गेंदें हो चुकी है और अब राजेश का सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लेफ्टी। बहुत अच्छी गेंदबाजी निगाहें कहीं निशाना कहीं। स्कोर अभी भी 30 रन पर रुका हुआ। भाई आज क्या नाम है ट्राईपोड नहीं लेके आया, हाथ दुखने लग रहा है। ये इनिंग थोड़ा मैं ग्राउंड से थोड़ी बाउंड्री से बाहर करके बना रहा हूँ अगली इनिंग अच्छी तरह। बहुत अच्छी गेंदबाजी लेकिन दिशा हाथ से भटके राजेश और एक बाय का रन। दो रन इस गेंद दो कोई जहाँ पर एक भी रन नहीं होना चाहिए था। दो रन स्कोर उछल कर हुआ 32 रन। पांचवा ओवर प्रगति पर मात्र दो ही गेंद हुई है इस ओवर की। बहुत अच्छी गेंदबाजी राजेश का एक छोटा सा रन अप और रॉबिन सुहाने की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाज। देखते हैं क्या कर पाते हैं। अच्छा बैक फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करेंगे। वही गेंद को ऊपर आके नहीं खेल रहे। ये सिंगल विकेट के लिए भाई मैच लगा रहा था रॉबिन सुहाना। बहुत अच्छी गेंदबाज राजेश द्वारा। बहुत अच्छा शॉट तेज दिया फर्स्ट स्लिप की तरफ से बाउंड्री से बाहर। थर्ड मैन को के पास भी कोई मौका नहीं। चार रन स्कोर उछल कर हुआ 36 रन। हाँ भाई मुकेश क्लार्क की टीम में खेल रहा है। भी
राजेश ना फेसबुक। बहुत अच्छा शॉट, एकदम अंदर आई, पीछे हटकर फिर वहीं पर थर्ड मैन की तरफ खेल दिया, लेकिन आसानी से दो रन दौड़ कर लिए दोनों प्लेयरों ने। पांच ओवरों की समाप्ति पर सुवर्णा टीम का स्कोर 38 रन। भाई ये उरलाना कला में टूर्नामेंट चली हुई है, कल हो रहा है फर्स्ट राउंड का, अगर कोई टीम आना चाहती है तो कल हो रहा है फर्स्ट राउंड का मैच, उरलाना कला पानीपत डिस्ट्रिक्ट। स्कोर 5 ओवरों की समाप्ति पर 38 रन। अपना तो भाई राजेश मुश्किल है मैच आज, कल खेल लेंगे अपा तो किसी के साथ। के नाम है इसका बॉलर का, बॉलर नेम पता नहीं है भाई, अगर संदीप तू जानता तो बता दे। लेफ्ट हैंड फेसबुक पर मेरे वाली पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन एक्स्ट्रा रन से नहीं रोक लगा रहे। वही फेसबुक आईडी प्रदीप बिड्डू के नाम पे है। राजू जस्सी तो नहीं हो, राजू अभी इसका नाम, बॉलर नेम राजू, और सामना करेंगे रॉबिन। पहली गेंद पर एक्स्ट्रा ओवर थ्रो के एक रन दिया, क्लैथ की टीम ने स्कोर उछल कर 39 रन। राजू की फिर दिशा से भटके, दिशाहीन गेंद, एक बाय करन, स्कोर उछल कर हुआ 41 रन। राज जसबीर भाई, हाँ जसबीर है बॉलर नेम, जसबीर है। फिर सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सोहाने की टीम के, और जसबीर अच्छा शॉट, लंबी गेंद और खेल दिया है मिड ऑन पर, लेकिन वहां पर राजेश तैनात और विकेट कीपर से भी छूटी, लेकिन वो पीछे बैकअप के लिए फील्डर तैनात थे, कोई रन नहीं, स्कोर उछल कर हुआ 41 रन, 42 रन स्कोर हुई। दो ओवर रह गए फिर करेंगे सही कमेंट भाई, दो ओवरों के बाद अगली इनिंग दिखाएंगे अच्छी तरह। बहुत अच्छी गेंद बट नीचे रहते हुए गेंद नहीं समझ पाए रॉबिन, रॉबिन का स्टैंप है, जैसे इंटरनेशनल प्लेयर खड़े होते हैं ऐसे तो नहीं है भाई। बहुत अच्छा काट नहीं मौका फील्डर के पास, 4 रन। स्कोर उछल कर हुआ सोहाना टीम का 46 रन। छठा ओवर पर गति पर जसबीर का बहुत महंगा ओवर जाता हुआ क्लैथ की टीम की तरफ से, और बहुत अच्छा ओवर सोहाना की टीम की तरफ से, बहुत अच्छी बैटिंग रॉबिन के द्वारा, जिसमें दो चौके लगा चुके हैं दोनों थर्ड मैन की तरफ, अच्छे बारी बारी एज दिए, फील्डर के पास कोई मौका नहीं मिला, 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई। कनेल बोल्ड कर दिया रॉबिन को जसबीर ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी, टप्पा के खाने के बाद नहीं समझ पाए, गुड लेंथ पर टप्पा और मिड ऑन की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन कनेल बोल्ड विकेट, बहुत भारी झटका सोना टीम को रॉबिन के रूम में। Mm.
नए बल्लेबाज का नाम तो पता नहीं भाई, क्योंकि मैं बहुत ग्राउंड से ही बाउंड्री से बाहर खड़ा हूँ, उसके लिए जूम करके दिखा रहा हूँ। जब तक यूट्यूब वीरू 319 पर लाइव एक्टिव नहीं होती, आप प्रदीप विडो आईडी फेसबुक पर आप मैच को देख सकते हो। जसबीर फिर धीरे धीरे कदमों से छोटा सा रन पर राइट एंड बल्लेबाज, अच्छा शॉट स्ट्रेट ड्राइव विन दोनों फील्डरों के और मिस फील्डिंग, राजेश पीछे खड़े हैं दो लेकिन आउट, रन आउट के रूप में फिर झटका लगा। सोहाना टीम बिखर सी गई है इस ओवर में तो दो झटके, छठा ओवर पर गति पर 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन 47 रन सोहाना टीम का, बहुत सोहाना टीम का। साहिल आए हैं सातवां ओवर डालने, छोटा सा बच्चा अपने क्या पता इस मैच में डेब्यू करता हो। मैच विकेट रन आउट के रूम में तीसरा झटका लगा सोना टीम को। अब नए बल्लेबाज आए हैं और नए बॉलर राही इसका सामना करेंगे, दोनों बल्लेबाज क्रीज पर अभी नए आए हैं, कुछ टाइम भी लग सकता है लेकिन 8-8 ओवरों में क्या टाइम लगेगा इनको, हर गेंद पर हिट करने की कोशिश करेंगे। मात्र 2 ओवर बाकी है इस इनिंग के, 6 ओवरों की समाप्ति पर 47 रन का स्कोर, देखते आज रोबिन की गेंदबाजी चल पाती है नहीं। मैं एक बार अपनी जानकारी के लिए बता दूं, बाल टूर्नामेंट थी तो रोबिन हरियाणा की टीम में खेला था और उसने पहली गेंद पर लंबा छक्का लगाया था, अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन वो मैच उरलाना खुर्दी जीत चुकी थी क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बहुत सोहाना की टीम में, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल मैच था वो जिसमें दिया उरलाना खुर्द विन हुई थी विन, और वो भी रोहतक की टीम से हार गई थी भाई उरलाना खुर्द भाई। 47 रन है सोनू बहुत सोहाना टीम की, अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, बहुत तेज गेंदबाज, अच्छी पिच, उछाल भरी पिच है भाई, एज दे के खेलना होगा शॉट को। 47 रन 7वां ओवर पर गति पर साहिल अपनी दूसरी ओवर गेंद लेकर, बहुत अच्छी, क्या गेंद है भाई, बहुत अच्छी गेंदबाजी, गुड लेंथ गेंद, बहुत गेंद स्टिक कर रही है पिच पर एकदम से, या तो टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में उछाल भरी पिच, बहुत अच्छी पिच उरलाना कला की टीम ग्राउंड में, और बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। फिर से तीसरी गेंद, फिर तीनों गेंद डॉट और बाल बाल बचे, फिर झटका लग सकता था, दोनों बार चूक गए, रन फिर भी नहीं ले पाए, रन फिर भी नहीं ले पाए, विकेट भी लग हो सकती थी भाई। संदीप ये मैच देख ले, ये 2-3 ओवर देख ले बिना क्लियर, बहुत अच्छी गेंदबाजी लेकिन दिशा से भटके साहिल, बार बार विकेटों से थोड़ी बाहर रखते थे, चौथे पांचवें स्टंप पर गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिशा से भटक गए भाई। थोड़ी क्लियरिटी फेसबुक का मेरे को नॉलेज नहीं है लाइव चलाने का, इसलिए मैं तो आज आया हुआ था देखने, मेरे संदीप भिड्डू जो लंगड़ा है उसकी वजह से आज लाइव चलाना पड़ गया मेरे को। बहुत बाहरी एज लेकिन किरसन थर्ड मैन पर तैनात और 1 रन, बहुत अच्छी फील्डिंग, स्कोर उछल कर हुआ 49 रन। भाई इसका मन भी रही है, उनचास रन का स्कोर, 7वां ओवर प्रगति पर और साहिल का मात्र 2 गेंद बाकी है सवर की, बहुत अच्छी गेंदबाज, लेग पैड पर लगकर लेग बाई से नहीं रोक पाए बल दोनों बल्लेबाज को, और 50 हो चुकी है सोहाना टीम की भाई, बहुत सोहाना टीम की 50।
अभी तक मात्र 7 गेंद बाकी है फर्स्ट इनिंग की, 7 गेंदे बाकी और सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फिर से। वही संदीप क्वालिटी का तो मेरे को फेसबुक की नॉलेज नहीं है। फिर से धीरे धीरे कदमों से फिर वही लेग स्टंप पर दी गेंद, लेकिन फील्डर जसबीर तैनात, एक रन स्कोर उछल कर हुआ 51 रन, 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 51 रन। भाई लिमिट का पता नहीं है मेरे को। साफ तो दिखता है, दिखा नहीं। ना साफ दिखना है, देख तू क्वालिटी देख अपने फोन में देख देख। जसबीर लास्ट ओवर इनिंग का लेकर आया और अच्छा एज फील्डर है थर्ड मैन पर किरसन, एक रन फिर से दौड़ कर लिया, स्कोर उछल कर हुआ 52 रन सोना टीम का। फिर जसबीर अपने ओवर की लास्ट दूसरी गेंद लेकर, बहुत अच्छा शॉट और फील्डर है कैच, बहुत अच्छी कैच ली भाई सचिन ने, झटका चौथा झटका लगता और जसबीर को बावन रन पर चौथा झटका लगता हुआ बहुसवाना टीम को। 8 में और की 2 गेंदे हो चुकी है, बस इनिंग की 4 गेंदे बाकी, 52 रन का स्कोर, बहुत कम स्कोर इस पिच पे, क्योंकि अगर एज देते रहे तो स्कोर बहुत अच्छा चला जाता है इस पिच पे। देखते हैं बहुत सोना इतने स्कोर पर रोक पाते हैं अकेले हाथ को नहीं, अभी तो राजा क्या पता है फ्रेंड हो ना। अरे पी बी डू लिख दे सीधा बस सर्च में भाई, किसी को आईडी नाम मिल रही हो ना पी बी डू लिख दे सर्चिंग में, पहला ही नाम मेरा आएगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी जसबीर के द्वारा, बहुत अच्छी फिर से दिशाहीन गेंद, लेकिन अब की बार दिशा भटक गए, जसबीर स्कोर उछल कर हुआ 53 रन। अरे मरता दिख रहा है देखो, फिर से गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। चैनल तो है यूट्यूब पे चल को ले रही फिर से डॉट गेंद, अभी तक कि बैट और बॉल का संपर्क नहीं हो पाया, लास्ट ओवर है इस इनिंग का और स्कोर मात्र 54 या 55 रन हो चुका है। भाई वीरू 319 को भी ज्यादा से ज्यादा मैच को चैनल को सब्सक्राइब कर। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर राजेश तैनात वहां पर, देखते हैं गेंद जब तक आती, आसानी से एक रन और दूसरे रन पर झटका लगता हुआ, स्कोर 57 रन है भाई। बहुत